बहुत लंबे समय के बाद आज फिर मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। तो अभी सुबह सुबह मैं निकल रहा घर से, कहाँ पे और क्यों निकल रहा हूँ सुबह सुबह तो आप लोग को मैं ज़रूर बताने वाला हूँ क्यों निकला सुबह सुबह बिना मुंह हाथ धोगे। आपको मैं दिखाने वाला हूँ क्यों निकला है। सो मैं सबसे पहले मुझे आपको दिखाऊंगा ये ट्री, ये है टोटोला का ट्री, ठीक है। सो मैं अभी, वाह अच्छा है वो भी ना, मस्त है सुबह सुबह आज। सो मैं इसके नीचे क्यों आया हूँ, ये टोटोला का पैर है, सो इसके नीचे मैं क्यों आया हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं आया हूँ टोटोला लेने के लिए। सो ये है टोटोला, सो इसको टोटोला बोलता है, ये फूल है, एक ये बुद्धिस्ट लोग नहीं खाता है, बस और लोग सब खाता है। सो एक तो मिल गया, ओह दूसरा भी मिल गया। सो इसको देखना इधर किधर कहाँ कहाँ पे है, इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शायद नीचे में होगा। ओह और एक यहाँ पे भी मिल गया, तीन तो हो गया पूरा, यहाँ पे रखेगा थोड़ा, दूसरा भी देखता हूँ इधर उधर। वाओ दूसरा भी मिल गया। सो इसको बोलता है टोटोला, ये खाने में ना थोड़ा खट्टा होता है तीता, लेकिन बहुत मीठा होता है इसमें, बहुत मीठा। इसको ना फ्राइड राइस बना के भी खा सकता है इसको, और इसको ऐसे ही ड्राई थोड़ा फ्राई करके भी खा सकता है, मस्त मज़ा आएगा आज का सब्जी में। इसको टोटोला बोलता है और बुद्धिस्ट लोग नहीं खाता है, लेकिन नेपाली लोग ये बहुत खाता है इसका, क्या बोलता है। अब इसका भाव ये एक का 5 रुपये है जो हमारा गांव में, सो एक का 5 रुपये में सेल करता है। तो आज कितना मिलेगा देखता हूँ, लेकिन मैं सेल करने के लिए नहीं है, खुद को खाने के लिए मैं आज ढूंढने आया हूँ यहाँ पे। सो दूसरा और एक मिल गया, यहाँ पे रख दूंगा। सो इस तरफ भी देखना पड़ेगा, ओ यहाँ भी तीन है। और यहाँ पे दो, ओ भाई इतना तो हो गया है। सो इसको मैं एक माला बनाने वाला हूँ, एक पहले एक। सो माला बनाने के लिए मुझे एक लारा चाहिए, सो माला बनाने के लिए मुझे ये चाहिए। हम लोग तो इसको लारा बोलता है, और आप लोग क्या बोल रहे हैं इसको, जो भी बोलता है हिंदी में मुझे तो मालूम नहीं, आप लोग प्लीज मुझे बताइए कमेंट करके क्या बोलता है। तो इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। सो ये मैंने ऊन लिया, अपना माला बना लिया है, और ढूंढूंगा जितना इतना माला बना लिया और ढूंढूंगा। सो इसके बाद और एक नीचे में भी है, यहाँ पे ये दिख रहा है जो है, ये भी है। सो वहाँ पर भी जाऊँगा पहले, और यहाँ पर एक बार ढूँढूँगा। तो देखिए मैंने पूरा एक कट्ठा कर लिया, और एक कट्ठा करके इसको माला भी बना लिया। सो ये देखिए, ये है टोटोला का फूल। सो इसको इंग्लिश में क्या कहता है, शायद ट्रम्पिट फ्लावर भी इसको बोल के जाना जाता है, अगर मैं सही है तो, उतना मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसी में मुझे लगता है इसको ट्रम्पिट फ्लावर भी कहा जाता है इंडिया में। सो और आप लोग को पता है क्या क्या बोलते हैं अपना आप लोग का लैंग्वेज में इसको, ठीक है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए इसको क्या नाम, इसका ओरिजिनल और क्या बोल के जाना जाता है, ठीक है। हम लोग तो टोटोला बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फिर मुझे वैसे इंडिया में इसको ट्रम्पिट फ्लावर बोल के जाना जाता है ऐसे लगता है। सो ये रहा आज का मेरा पूरा का पूरा फ्लावर।
सो ये बोला ना मैं, हमारा जो रास्ते में बाज़ार में एक पीस का 5 रुपये करके सेल करता है, तो आज मैंने इतना उठा लिया है। कितना है इसमें, लगभग कितना है यहाँ से हिसाब से, अंदाज से भी कितना है यहाँ पे, 50-60 पीस तो होगा। सो लगभग यहाँ पे आज 50-60 पीस होगा। सो मैं भी, लेकिन ये सेल करने के लिए मैंने नहीं उठाया, इसको लेके जाके अच्छे से घर में खाना है मुझे, 3 दिन तक तो चलेगा। और ये एक बात आया मुझे, ये इसको मेडिसिन के रूप में भी लिया जाता है, आदमी लोग इसको मेडिसिन के रूप में भी खाता है, क्योंकि इसका बहुत सारा क्या बोलते हूँ, आदमी लोग खरीद के खाता है, क्योंकि इसको सब लोग बोलते हैं कि ये मेडिसिन है, मेडिसिन है। किस किस का है वो तो मालूम नहीं, लेकिन ये थोड़ा क्या बोलो, इसको खट्टा सा होता है इसका, ठीक है, जो तीता तीता बोला तो पता चलेगा ना आपको, जो सेम लाइक जो क्या बोलते हैं करेला, बिटर गट है ना। सो इसके जैसे ऐसा है ये टेस्ट। इसको पहले मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि कैसे खाना है, कैसे बनाना है, यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। जो ये फूल में उड़ाने वाला हूँ, सो ये मैंने निकाल लिया, जो ये फ्लावर है ना, जो ये फूल को ऐसे करके आप लोग खोल सकते हैं, ठीक है। खोलने के बाद ये जो होता है, ये इसको जो ये है ना, ये छोटा छोटा इसको ये फेंकना चाहिए, ठीक है। तो इसको फेंक के 1/2 और 1/3, 1/4 जितना आप लोग को मर्जी है उतना बना के इसको पानी में ब्लेंड करके खाना है। जस्ट पहले हल्का सा ब्लेंड करिए पानी में, तो पानी में ब्लेंड करने के बाद आप इसको सीधा कढ़ाई में डाल सकते हैं। लेकिन इसको ज़्यादातर ग्रेवी वो जो होता है ना, क्या बोलता है, सूप बना के खाने सकता है, अच्छा नहीं होता। तो इसको खाना चाहिए कि ऐसा प्रोसेस है, इसको तोड़ दिया, क्लीन कर दिया, क्लीन बस कुछ नहीं करना है, फेंकना है कुछ भी यहाँ से, बस इसको फेंकना है। तो ये जो बीच का कांटा है ये सब फेंकना है, इसको ब्लेंड करना है, उसके बाद निचोड़ना है, निचोड़ के पूरा का पूरा पानी फेंकना है, पूरा का पूरा पानी फेंक के खाना है। और पानी नहीं फेंका खाए तो ज़्यादा ही खट्टा होता है, तो पानी फेंक के अच्छे से। तो इसको क्या करना चाहिए, प्याज अदरक और गार्लिक थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए, ज़्यादा डाल के थोड़ा आप स्पाइसी चाहिए तो चिल्ली भी डाल सकता है। सो उसके बाद आप इसको मस्त करके दबा के, जैसे ना आलू भुजी जो बनाते हैं ना आप लोग, इसे इसका इसका भी भुजिया बना के भी खा सकते हैं। और इसको छोटा छोटा और पीस करके फ्राइड राइस के साथ, जैसे हम लोग क्या तीता आप लोग खाता होगा, हम लोग तो अपना कल्चर में एक बोलता है क्या, तो वाचिपा बना के खा सकता है, ठीक है, बूमचिपा भी बोलता है, ठीक है। जैसे फ्राइड राइस सेम लाइक फ्राइड राइस होता है, फ्राइड राइस चिकन ऐसे डालता है, इसको भी ऐसे ब्लेंड करके छोटा छोटा करके थोड़ा ऑयल में इसको घुमा के, अदरक और जिंजर गार्लिक डाल के थोड़ा घुमा के, जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं डालना चाहिए, ठीक है, उसको थोड़ा बस मैश करके डालना चाहिए, तब थोड़ा ऑयल में पका के मस्त करके खा सकते हैं। इसको बहुत अच्छा सा मेडिसिन भी है ये, ठीक है। सो आज मेरा भी यही है घर में खाने का, ये सेल नहीं करने का, 2-3 दिन तक लगा के भी खाएंगे, नहीं तो इसको रख सकते हैं, इसको जो हमारा धूप में इसको अच्छे से सुखाना चाहिए, नहीं तो जो घर का आग होता है आग के ऊपर रख के भी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको तो हम लोग ड्राई बना के बाद में खा सकते हैं। बचपन में ना हम लोग इसको उठा के ऐसे करके डालता था, माला हो गया ये तो माला, जब बचपन में था तो हम लोग ऐसे करता था, ये उठाता था बहुत सारा कलेक्शन करके, ऐसे माला बना के दोस्त लोग के साथ दौड़ता था दूसरा जगह में ढूंढने के लिए। अरे भाई थोड़ा देर के लिए तो मैं भी मंत्री हो गया क्या, अरे भाई ताली बजाओ। ऐसे होता था हम लोग पहले, मंत्री के जैसे ऐसे करता था हम लोग, पहन के चलता था बच्चा में। सो आप जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं प्लीज़ मेरे, मुझे अच्छे से आप लोग का लैंग्वेज में भी क्या क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। कहाँ से आप लोग देख रहे हैं कमेंट कर दीजिए आपका कंट्री का नाम, ठीक है। मुझे पता है मेरा सोल्टी लोग दिख रहा है ओमान से, और दुबई से भी दिख रहा होगा। सो थोड़ा कहाँ से, उधर बांग्लादेश से भी है मेरा दोस्त लोग, सब बांग्लादेश का दोस्त लोग है, सलाम वालेकुम, ठीक है। तो मुस्लिम है वहाँ पे मेरा ज़्यादा लोग, ओमानी लोग भी है, तो वो लोग को भी सलाम वालेकुम, क्या फ़ाल कमेंट करके बोल दो, ठीक है। सो
आज का ब्लॉग मैं यहीं पे इन कर रहा हूँ। इतना मैं कलेक्शन कर लिया, सो इसको घर में लेके जाके अच्छे से बना के खाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लगा ये टोटला का फुल? सो इतना हो गया, मैंने इसको कलेक्ट कर लिया। सो अब घर जाऊंगा, सीधा खाऊंगा। सो मेरा जो मामा मुमा रो यूएस में है, उसको भी आज भांजा ने टोटला का फुल उठा लिया है, तो लेके जाके खाएंगे। अरे चलते चलते और बात याद आ गई, वो भी इतना इम्पोर्टेंट है कि जो ये फूल है ना, जब रात में फूलते हैं और रात में गिर जाता है। ठीक है, ये फूल ना जैसे होता है कि रात से दिन होने से पहले ये फूल गिर जाता है। जैसे कभी किसी को भी ये फूल दिखाई नहीं देता है कि कब फूलता है। जब सुबह हम लोग जाएंगे, आज भी मैं अभी कितना बजे आया, 6:30 हो गया, 6 बजे के आसपास आया होगा। तब उस समय आने से पहले भी ये पैर नीचे गिर गया था। तब अभी तब लंबा दिन है, तो इस समय सुबह जल्द, रात छोटा है, तो सुबह कितना 4:30 दिन हो जाता है, तो सुबह हो जाता है। तो उससे पहले ही ना ये गिर जाता है परंपरा। और वो इसका और उसका वो बोलता है, इसको तुम्हारा रस पी लूँगा, खा लूँगा। तो खा नहीं पाता है, तो उससे पहले ये गिर जाता है। ये रात में फूलता है, रात में गिर जाता है, इसका एक मेन खूबी है। तो प्लीज़ 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 वीडियो को अच्छे से शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, प्लीज़ इसका नाम ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या क्या बोलते हैं आप लोग का भाषा में, आपका देश में। सो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए। सो आज का ब्लॉग भी यहीं पे मैं इन कर रहा हूँ। सो मैंने ये उठा लिया, अब घर की तरफ जा रहा हूँ। सो आप लोग को सबको टाटा बाय बाय, आप सब लोग ठीक से रहिए। सो हैव अ नाइस डे। सो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।